पार्वती को पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता महादेव, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जलंधर मायावी जलंधर महाबली जलंधर दैत्यराज जलंधर शक्तिशाली जलंधर दैत्य सम्राट जलंधर असुराधिपति जलंधर दुष्ट जलंधर किया। श्री हरि विष्णु को संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी शिव लीला का क्या प्रयोजन है प्रभु? ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, शिव लीला कारण कभी नहीं होती। मुझे तो लगता है कि नारद लीला का प्रयोजन भी अकारण नहीं होता। नारायण नारायण, मैं तो भगवान शिव का दास हूँ माता। मैं जो कुछ करता हूँ भगवान शिव के संकेत पर ही करता हूँ, और भगवान शिव के लिए लीला करना आवश्यक है क्योंकि वो उनका स्वभाव है। अब देवेश्वर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं माता? क्यों भगवान? नारद, इस जगत में सत्य और असत्य का संघर्ष, नियति का धर्म है।
और ये लीला, लीला रचने का कारण यही है कि जन साधारण इस सत्य को स्वीकार कर ले कि जिस तरह जलंधर महाशक्तिशाली होते हुए भी अहंकारवश पर नारी पर कुदृष्टि डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उसकी भी वही दशा हो सकती है। अतः वह सावधान रहे, जन साधारण को सावधान वे सुरक्षित रखने के लिए ही लीलाएं रची जाती हैं।